बता दें, मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली सिकंदरा राव क्षेत्र के मोहल्ला लोट कुआ का है। यहां शुक्रवार की शाम को कासिम के नाश्ते की दुकान पर नाश्ते में कचौड़ी खाने को लेकर जाकिर पुत्र मोहन ने मुन्नी खास चार पुत्र इमानुद्दीन मुरीर पुत्र रफीक निवासी गण मोहल्ला नौखेल थाना सिकंदरा राव का राहुल पुत्र शैतान सिंह सुनील पुत्र मूलचंद्र निवासी गाँव फरीदाबाद थाना सिकंदरा राव के साथ दुकान पर कचौड़ी खाने को लेकर विवाद हो गया, जिसको वहां मौजूद लोगों ने शांत करा दिया। लेकिन देर रात समुदाय के लोगों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस बीच दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिससे मोहल्ला में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मारपीट और पथराव में दो लोगों को गंभीर रूप से चोटें आईं। घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्र अधिकारी सिकंदरा राव राजीव कुमार और SDM सिकंदरा राव विजय कुमार शर्मा ने मोहल्ले में झगड़ा कर रहे लोगों को देखते हुए दोनों घायलों को उपचार के लिए CSC सिकंदरा राव में भर्ती कराया। मोहल्ले में तनाव को देखते हुए थाना पुलिस के साथ PAC बल को तैनात किया गया। दो लड़के थे, वो कचौड़ी खा रहे थे कचौड़ी की दुकान पर, और वो इत्तेफाक से मुस्लिम थे, दूसरी तरफ से हिंदू लड़के आ रहे थे, उनका उनसे टकराव हुआ, कंधे भिड़ गए दोनों के आपस। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। एक पक्ष ने अपने दोस्त बुला लिए, दूसरे पक्ष ने अपने दोस्त बुला ली और उन दोनों में आपस में पथराव हुआ। मोहल्ले के कुछ समझदार लोगों ने उनका भीड़ बचाव करके उसको शांत किया है। जो चोटिल है उनका मेडिकल कराया जा रहा है और ये लोग एप्लीकेशन देंगे, उस आधार पर FIR दर्ज की जाएगी।